अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आरजे जाहिद जमील। प्रोग्राम जी हां, आज के मेहमान के साथ आज डेटा एंटरटेनमेंट की जानिब से। जैसे कि आप देखते रहते हैं कि हर दफा हमारे कोई ना कोई जबरदस्त सेलिब्रिटीज यहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे आज के मेहमान यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक फनी जिंदगी से हो या किसी भी हवाले से जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई खूबसूरत सी कारकर्दगी की हो। तो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर मौजूद है, एक बहुत ही जबरदस्त नाम है जिनके आपने बहुत सारे प्लेस यानी कि बहुत सारे आपने ड्रामे उनके देखे होंगे। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहजाद अहमद साहब, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको हम वेलकम कहते हैं आज के मेहमान के खूबसूरत से प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया राजीव साहब। और दूसरी बात यह कि आज टीवी वालों ने जो है वो मुझे मधु किया यहाँ पर, उसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और रहा फनी सलाहियत का, तो ये शौक़ तो आपको पता है कि कुदरती तौर से होता है, बचपन से ही शौक था। यूँ समझिए कि स्कूल की लेवल से। अच्छा, स्कूल हम ऐसा किया करते थे, जब भी कभी क्लास में होते थे तो जब इंटरवल होता था तो हम आपस में एक दो बंदे एक्टिंग करते थे। ऐसे कभी फिल्म देख ली तो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई ड्रामा देख लिया तो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि एक हद तक शौक था। तालीम तो अपनी जगह पर हमने अपने हासिल करी है, लेकिन ये कि कोशिश ये होती थी यार कहीं ना कहीं जाके कोई प्ले करें या कोई ड्रामा करें। अच्छा, शुरू में जब आप बचपन में कर रहे होते तो हेजिटेशन होती है, कोई भी आप काम कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस इतना होता नहीं है, तो जब आपने बचपन में काम किया तो आप में इतना कॉन्फिडेंस था? हाँ, कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था मेन चीज़, कॉन्फिडेंस। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस था। और यूँ एक मरतब ऐसा हो कि हम काम बातें कर रहे थे और तब हमारे टीचर आए और टीचर ने कहा ये माशाल्लाह आप लोग किस तरह बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आप, कैसा इंटरवल है हमारा, हम उसमें तफरी कर रहे हैं। तो कहने लगे आप मुझे बताएं किस तरह कर रहे हैं, तो हमने उनको बकायदा करके दिखाए। तो वो कहने लगे आपका अभी से ये मतलब कॉन्फिडेंस है तो आगे चल के क्या होगा। मैंने कहा सर हमें मौका नहीं मिलता, मतलब अब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह काम। यानी कि आपके असातिज़े कराम जो है वो आपके साथ बड़े सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट, बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, स्कूल की लाइफ जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग लाइफ होती है जो फॉरएवर बंदा भूलता नहीं है। खैर, ये तो आप स्कूल के बाद क्या हमें बताएं, बड़ा अच्छा लगा कि आप स्कूल के ज़माने से टैलेंटेड हैं। अच्छा, कोई कौन से, वैसे तो आपने बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ किए हैं, आपके ख्याल में जो आपको पसंद है तो आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है जिनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया? भाई डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं जी जिनके साथ काम किया, लेकिन मैं एक नाम, क्योंकि लतीफ़ बाबर साहब हैं, लतीफ़ बाबर साहब, वो माशाल्लाह उनका काम करने का अंदाज भी अच्छा है, काम लेने का अच्छा अंदाज भी अच्छा है, और मुझे मतलब ये पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। यूँ समझिए कि हमारे भाई जैसे हैं। तो लतीफ़ बाबर साहब वाकई उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, बहुत ज़बरदस्त उनका एक काम है। और अच्छा, उनकी मैंने खुद उनके साथ काम किया, और बल्कि ये जो मेरे प्रोग्राम के इत्तेफाक की बात है, हमारे इस प्रोग्राम के डायरेक्टर भी लतीफ़ बाबर साहब। माशाल्लाह, और मज़ा आता है क्योंकि वो बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो ऐसा लगता है कि बार बार देखा है हमने कहीं और जगह कर रहे हैं काम, तो डायरेक्टर जो है बाकायदा वो उनका एक रोब होता है जी, जरा सी कोई मिस्टेक कर दी तो एकदम शुरू हो जाते हैं ये फ्रेंडली माहौल में, और ये फ्रेंडली करते हैं, यानी कि पता ही नहीं चलता है कि हम कब शूट कर रहे हैं, कब क्या हो गया, और एक मतलब यार मोहब्बत ऐसे आदमी में मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा शहजाद भाई, बहुत अच्छी बात है लतीफ़ बाबर भाई के बारे में आपने ये सारी बातें बताई। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं जी, तो वो मेहनत इतनी करते नहीं है, तो उनको मेहनत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, देखिए बगैर मेहनत के कोई काम नहीं है। अच्छा, इवन ये मतलब है कि आप काम कर रहे हैं और आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो भी बेकार है, काम में दिलचस्प नहीं होगी, और रिहर्सल भी नहीं करते तो बेकार है। फिर मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि भाई अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं फिर आप। ठीक है, अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कितने आपने अब तक प्लेज या ड्रामे वो कर चुके हैं, मतलब आपको कोई? अब ये कि देखिए असल में मेरी जॉब भी है, मैं मार्केटिंग के हवाले से काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो उसमें यह है कि काम टाइम नहीं मिलता इतना, मतलब इस प्रोफेशन के अलावा आपकी प्रोफेशनल जो है वो कोई और जॉब भी? बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ आ रहे आपको तो पता ही जमाने में, तो अंदाजा में से कितने आपने प्लेस ड्रामे किए? अब मुझे याद नहीं है, मारा लिए ठीक ठाक है तक। अच्छा, तो अभी करंटली जो आपका कोई लास्ट कोई हुआ हो? अभी लास्ट हुआ है मेरा कोड नंबर 5 में, कोड नंबर 5 समाज से आया था। ठीक है, उससे पहले एयरवाइज से हुआ, एयरवाइज उससे पहले चैनल से जी, तो बड़ा अच्छा आपका एक टाइम रहा है। तो नाजिना हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं, और क्योंकि ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको हमारे प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम का नाम है जी हाँ आज के मेहमान, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिब्रान,
नहीं तो तुम, मैं कभी ख्वाब तो नहीं देख रहा। जरूरी तो नहीं जिनकी आवाज़ खूबसूरत हो वो खुद भी खूबसूरत हो। अभी इतना स्मार्ट लड़का आया था मेरी हेल्प के लिए, गाड़ी नहीं चल रही थी अभी वो मैकेनिक को बुलाने के लिए गया। यार बहुत स्मार्ट है, देखना बहुत स्मार्ट है अभी देखना। खाला आपको देखकर तो और जी करता है शरारतें करने को। अरे भाई वो क्यों? वो क्या है खाला, क्या आपको मेरी खाला कम और बहन ज्यादा लगती है? असल में मैंने भी शादी नहीं की। ओह लेकिन क्यों? ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं आज के मेहमान में। और जैसे कि आपको पता है कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के मेहमान हैं हमारे साथ सैयद शहजाद अहमद साहब, और जिनसे हमारे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें होती हैं, बड़ी मजे मजे की इन्होंने स्कूल लाइफ की बातें बताई हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मैरिड हैं, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह चार बच्चे हैं मेरे। चार बच्चे हैं, तो आपके बच्चों में कोई इस फील्ड में है? हमारे ड्रामा बड़ा बेटा है, वो इंटरेस्टेड, थोड़ा सा इंटरेस्टेड, ज्यादा नहीं, बस कभी मिल गया तो कर लिया। अच्छा, अब तो बड़ा बेटा आपका टिकटॉक वगैरह भी बनाते हैं? टिकटॉक में तो आपको पता है आजकल दौर टिकटॉक का, आजकल दौर है। तो आपने टिकटॉक वगैरह बनाई है अपनी कोई? मैंने बनाई है, मैं प्रैंक भी करता हूँ। प्रैंक भी करते हैं जी? जी शहजाद साहब जो है वो प्रैंक भी करते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं, बहुत सारे प्लेस में भी आते हैं। बड़ी अच्छी बात है। नादिर शाह के साथ भी काम किया है। अच्छा, नाम सुनाऊंगा? बोल से नादिर अली। अच्छा, उनके साथ भी करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। सन्नाटे में मैंने किया है, आसिम सन्नाटे। आसिम सन्नाटे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं जी, तो आपने भी बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया है आपने, जैसे तो मैं कोई आपका यादगार ऐसा ड्रामा जो आपको याद रह गया हो आज तक? जैसे मैंने कहा ना कि इस मतलब यानी कि इस गेम के अंदर इसको, इसमें मेहनत के बगैर कोई काम नहीं। ठीक है, ठीक। बस एक ड्रामा याद है जिसमें मैं मतलब यानी कि मुझे कत्ल किया गया था। अच्छा, समा से। अच्छा अच्छा, तो वो जिस बच्चे के हाथ मतलब कत्ल होना था उस बच्चे को पता ही नहीं था किस तरह मारना है। ओहो, तो उन्होंने बच्चे ने जो है वो रियल तरीके से मुझे मारा। ओहो, रियल मार दिया? रियल मारा, रियल। तो वो बस उसमें मैं डायरेक्टर, मैंने कहा मैंने यार किसी बच्चे को यार समझाओ उसको। अच्छा, और वही जज्बाती था कि मैं काम करूंगा। अच्छा, बस उसने खंजर मारा था, जैसे ही उसने मारा तो वो तो शुगर करेंगे वो दबने वाला होता है, अगर होता ओरिजिनल तो काम हो जाता। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा पसले से लग गई थी। अच्छा, मैं एक और बड़ा मुश्किल सवाल है, पता नहीं आपके लिए आसान। अच्छा, कोई ऐसा करेक्टर जो आपने आज तक नहीं किया हो? मैंने अभी तक करेक्टर जो किया उसमें तकरीबन डॉक्टर, भाई और वकील, और अल्लाह वाला करे आपका मेहमानों में जो मेहमान नवाज होते हैं इस तरह। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपका कोई ऐसा करेक्टर जो आपको करने की ख्वाहिश हो कि मैं ऐसा ये करेक्टर करूँ, काश मुझे ऐसा करेक्टर मिले, क्योंकि आपको बहुत सारे डायरेक्टर्स भी देख रहे हैं यहाँ पर और व्यूवर्स आपको देखेंगे, हो सकता है कि कोई आपको, क्योंकि आप माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी, तो कोई ऐसा करेक्टर जो आपका ख्वाब हो गया यार बस मुझे अब ये करेक्टर करना है? हाँ, ये ख्वाब था और वो अल्लाह ने पूरा किया। मेरा एक ड्रामा चल रहा था अभी खुदगर्ज, जी शायद आपने देखा भी हो जी, तो उसमें मैंने गुलाम उद्दीन के साथ काम किया। अच्छा, बाकायदा वो मुझे मिले, गले मिले, तो मुझे वो मंदिर याद आ गया उस वक्त। अच्छा, जब मैं उनकी फिल्में देखा करता था। अच्छा, बचपन में जाहिर है फिल्में देखा करता, वाह वाह। तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि यार कि मतलब ये मैं इनके साथ काम करूंगा या फीलिंग्स होंगी यार, या मेरी फीलिंग, तो मुझे मेरे आंसू आ गए थे। बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ। अच्छा, तो ये आपकी फीलिंग्स थी, फीलिंग्स रो दिए उस वक्त? बिल्कुल रो दिए। तो नाज़रीन ऐसे होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपका ख्वाब पूरा हो जाए, जो आपने ख्वाब देखा हो, और इन फ्यूचर आपका वो ख्वाब पूरा हो जाए तो आपके वाकई एक इमोशन चेंज हो जाते हैं। और इनका भी ये इमोशन था कि मैं गुलामुद्दीन के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है और उनके साथ काम किया, तो यकीन। अच्छा, मैं एक बात और बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो बहुत शॉर्ट होते हैं आज के मेहमान में। अच्छा, वो वैसे तो आपको कोई सॉन्ग वगैरह का भी बड़ा सॉन्ग का शौक है, मैं चाहूँगा कुछ सॉन्ग वगैरह आप सुना, बिल्कुल सुना देंगे इस मौके पे, एक अंतरा सुना दें आज के मेहमान। सुनिएगा जरा शहजाद साहब आपके लिए खूबसूरत सॉन्ग जो है वो सुना रहे हैं, आइए। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे, जो दर्द मिला फूलों से मिला, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे,
खैरों से शिकायत कौन करे। क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अच्छा शहजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो बड़ा खूबसूरत सॉन्ग था। हाँ, बहुत बढ़िया। और मेहदी हसन खान साहब, मेहदी हसन, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेहदी हसन। मेहदी हसन जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका तो फिर एक और सॉन्ग, उनका कोई नमूल बदल नहीं है। नमूल बदल नहीं, हाँ वो सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी जहन में था वो मैंने आपको सुना। पूरी दुनिया में बहुत सारे सिंगर्स होते हैं और ये तो माशाल्लाह लेजेंड है। तो इनका एक और सॉन्ग है, वो तो मुझे बहुत पसंद है, अगर थोड़ा सा आप गुनगुना दे तो जरा व्यूअर्स भी सुन लेंगे। हां नहीं, मैंने बताया ना मुझे तो सभी प्यार, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत अच्छा गाया आपने। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। अभी जो एक और सरप्राइज है आपके लिए, ब्रेक के बाद हम आपको देंगे, तो मिलिएगा ब्रेक के बाद। आज के मेहमान मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई मीन के गिरने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। सुनिए जरा, आप मुझे बता सकती हैं कि हंसफर मैरिज ब्यूरो का दफ्तर किधर, कहाँ मिलेगा? और आप भी तो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते थे। देखिए मैडम, हमें प्यार प्यार करना नहीं आता, हम तो अच्छे ही रिश्तों पर बिलीव करते हैं। तुम दोनों को आपने अकेला ही छोड़ दिया? इसने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? बस इससे तंग करना शुरू ही किया था कि बस आप आए। पापा आपने इनमें क्या देखकर शादी की? मैंने इनके अंदर दो चीजें देखी हैं, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। पाकिस्तान कितनी फिल्में आपने की है वैसे अब तक? मैं चांस मिलते रहे, दो तीन फिल्मों में काम किया है। तीन तकरीबन, दो तीन फिल्मों में इन्होंने काम किया। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, अगर आपको ऑफर हो जाती है हमारे पड़ोसी ममालिक से, यानी कि इंडिया भारत से, तो क्या आप वहाँ पर परफॉर्म करना चाहेंगे उन बिग स्टार्स के साथ? मेरा तो ख्याल ये है कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वो वहाँ के हालात हैं और वाकत हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी हमारे मतलब यानी कि अदाकार गए, ठीक है, उनके साथ क्या अशर किया, हमने देखा हुआ, न्यूज़ में पढ़ा हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता, वैसे भी नहीं जाना चाहिए, वो हमारे एक तरीके से हम शायद जरूर हैं, लेकिन जो क्वालिटी इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है, पाकिस्तान की फिल्मों में बन रही है, और इस वक्त माशाल्लाह जो इक्विपमेंट पाकिस्तान में आ चुका है, मैं नहीं समझता कि हमने पड़ोसी ममालिक की मूवीज जो हम देखें या हम वहाँ पे काम करें, तो यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड, और उसके अलावा टैलेंट के अलावा अब जो फिल्में बन रही हैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज हैं, और बहुत ज़बरदस्त हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि हम सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको भी और हम सबको, बिल्कुल, पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं, जाने पाकिस्तान हमारे मुल्क में बहुत कुछ, बिल्कुल माशाल्लाह हमारे यहाँ जो टैलेंट बहुत ज़्यादा। तो शहजाद भाई यही कहते हैं कि लव पाकिस्तान, बिल्कुल, एंड लव पाकिस्तान, लोग तो रह रहे हैं, फॉर एवर रहेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन यह कि हमेशा मोहब्बत करें पाकिस्तान से। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से मोहब्बत के साथ साथ हम सबको खूबसूरत से यहाँ पे एक मैसेज देना चाहेंगे कि आज हमारे पास जो आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त पे, तो लास्ट में आपने कोई अपने न्यू कमर्स के लिए मैसेज आपने देना तो दे सकता। मैं यही कहूँगा भाई, अगर आपको दिलचस्पी है फिल्मों में काम करने की, ड्रामों में काम करने की, तो अगर वाकई दिलचस्पी है तो अंत तक मेहनत करें भाई, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ना करें। जी शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी जो है वो यहाँ पे सजेशन दी है लोगों को, और ये कहा है कि अगर आपने कोई जस्तजू है, और इंसान वही काम होता है जिस कामयाब होता है जिसमें जस्तजू होती है किसी काम की, चीज़ को हासिल करने, तो अगर आपने कोई चीज़ हासिल करने की जस्तजू है और आप हासिल करना चाहते हैं तो वाई नॉट, यू हैव टू डू दिस, आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा हमारा आज का प्रोग्राम था, और हमारे प्रोग्राम का नाम जो है वो, आज के मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे सैयद शहजाद अहमद। हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा,
और जो न्यू कमर्स हैं आप सबको मकसद जो है वो मिल चुका है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में आज के मेहमान में, और देखिएगा ज़रूर कि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे कौन से मेहमान आ रहे हैं और वो कौन सी फ़नी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान के हवाले से उनका क्या करेक्टर है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इन दुआओं के साथ कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ। आप हैं हमारे आज के मेहमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।